Hello viewers, today I am going to tell you about the ads of YouTube. Does YouTube get paid when we skip the ad? If I skip the ad on YouTube before it ends, does the advertising company still pay YouTube for it? There are two types of ads on YouTube. The ones which play before the request video play. दो तरह के एड्स होते हैं और अगर एड स्किप कर दिया जाता है यूट्यूब पे तो क्या यूट्यूब को पैसा मिलता है और अगर यूट्यूब को पैसा नहीं मिलता तो क्या यूट्यूबर को पैसा मिलता है, क्रिएटर को पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। लॉन्ग वीडियो एड्स विद मोर देन 5 सेकेंड प्ले टाइम। अब लॉन्ग वीडियो एड्स पे जो एड्स होता है वो 5 सेकेंड से ज्यादा का होता है। These video ads are type this question refer to. They are skippable ad. The skippable ads could be from about 5 seconds to more than 1 hour of viewing time. अब जो ads होते हैं वो 5 सेकेंड से लेकर के 1 घंटा तक का हो सकता है जिस भी वीडियो पे लगा होता है। Short video ads of only 5 seconds. लेकिन short video ads होता है वो skippable नहीं होता और केवल 5 सेकेंड का होता है और उसको हमें देखना ही होता है क्योंकि वो skippable नहीं होता। The skippable ads could be from about 5 seconds to 1 hour, but the non-skippable ads are of 5 seconds. The whole video ads of 5 seconds will play before you start continuing the video of interest to you. तो वो स्टार्टिंग में ही रन हो जाता है, 5 सेकेंड हमें देखना ही पड़ता है। इन एडिशन टू दीज देयर आर टेक्स्ट एड्स ऑन द स्क्रीन टू। इसके अलावा टेक्स्ट एड्स भी आते हैं हम लोग के स्क्रीन पे। गूगल एंड यूट्यूब बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग पैटर्न प्लेस एड्स एंड कीपिंग इन व्यू द क्वालिटी एंड पॉपुलरिटी ऑफ कॉन्टेंट यू आर कंज्यूमिंग। योर यूजर प्रोफाइल इज रैंक्ड एज समवन हु वुड स्किप एड और विल वॉच इट। अब आपका प्रोफाइल भी उसी हिसाब से रैंक होता है कि आप स्किप करते हो ऐड को कि नहीं करते हो। इफ यू आर समवन हु ऑलवेज स्किप दोज एड्स, यूट्यूब फोर्स यू टू वॉच अ फ्यू एड्स। अब आप हमेशा ही ऐड स्किप करिएगा तो यूट्यूब आपको फोर्स भी कर सकता है कि आप ऐड को देखिए। एंड वंस यू कंज्यूम दिस ऐड दे आर टू बी पेड बाय द ऐड प्रमोटर। और जब आप उस ऐड को देखते हैं तो ऐड प्रमोटर पैसा देता है और अगर आप नहीं देखिएगा तो पैसा नहीं देगा। इसलिए उन्होंने नॉन स्किपेबल एड्स बनाए जिससे कि उनको रेवेन्यू मिले। इफ यू सी एन एड्स वेयर यू गेट द ऑप्शन टू स्किप इट, यूट्यूबर इज एक्चुअली डूइंग अ फ्यू थिंग्स। अगर आप एड देखते हैं तो यूट्यूब क्या क्या करता है, इज टेस्टिंग वेदर द एड कॉन्टेंट इज कंपल्सिव इनफ टू मेक इट वॉच इट टिल द एंड। क्या ऐड का कंटेंट ऐसा है कि जिसको अंत तक देखा जाए, अगर ऐसा है तो वो नॉन स्किपेबल में रख देगा। इज द कंटेंट यू रिक्वेस्टेड फॉर इज समथिंग विच यू आर कंपेल्ड इनफ टू वॉच विदाउट एनी डिले। और या आप ऐसा वीडियो देख रहे हैं जिसको लिए आप बहुत आतुर हैं कि हमें देखना ही है, तब उस पर नॉन स्किपेबल ऐड वो लगा देगा। यू एज अ यूजर आर हाउ पेशेंट और इम्पेशेंट यू आर। और आप कितने पेशेंस से ऐड को देखते हैं या नहीं देखते हैं इसके ऊपर भी वो दो तरह के एड्स यूज करता है, स्केपेबल और नॉन स्केपेबल। नॉन स्केपेबल में उसको पूरा टाइम मिलेगा और अर्निंग होगी, लेकिन स्केपेबल में उसको इम्प्रेशन मिलता है, उससे भी उसकी अर्निंग होती है। सो द मोमेंट यू स्किप द एड एंड एड्स क्वालिटी इज डाउनग्रेड। जैसे ही आप स्किप करते हैं ऐड को तो उसकी ऐड की क्वालिटी लो हो जाती है। कैन बी शेयर्ड विद लेस पीपल एंड हेंस इट एडवर्टाइजिंग चार्जेस गो हाई। और वो फिर कम लोगों में शेयर किया जाता है और उसकी एडवर्टाइजिंग चार्जेस जो होती है बहुत हाई हो जाती है। द रिक्वेस्टेड कॉन्टेंट रेटिंग गोज हायर एज अ यूजर, यू आर मोर अटैच टू दिस कॉन्टेंट एंड वॉन्ट टू वॉच इट नाउ एंड यू एज अ यूजर गेट अ डाउनवर्ड, यू नीड टू बी thrown more post ads or else you will keep consuming video without generating any revenue for YouTube. और लेकिन आप फिर क्या करता है, ज़्यादा ads को skip करने से YouTube force करता है कि आप उस
ऐड को देखिए और इसको नॉन स्किपेबल में रख देता है. सो व्हेन यू स्किप एन ऐड, ऐड प्रमोटर डजंट गेट चार्ज. अब जो ऐड प्रमोटर होता है वो चार्ज नहीं पाता. अब ऐड प्रमोटर कौन है? जो क्रिएटर्स होता है उसी के तो वीडियो पे लगाया जाता है. हाउएवर हिज ऐड प्रमोशन गेट कॉस्टलियर, और उसका ऐड प्रमोशन जो होता है बहुत कॉस्टली हो जाता है. व्हेनेवर पीपल स्किप एन ऐड, यू एज द यूट्यूबर मेक्स ओनली अ फ्रैक्शन मोर लाइक 1/3 ऑफ वॉट यू शुड ओरिजिनली मेक व्हेनेवर द स्किप बटन इज नॉट प्रेस्ड. अब अगर स्किप हो जाता है तो 1/3 आपको रेवेन्यू मिलता है, और अगर स्किप नहीं होता है तो आपको फुल रेवेन्यू मिलता है. तो जितना रेवेन्यू यूट्यूब को मिलता है उसी हिसाब से वो आपको देता है. एंड यस, यूट्यूब विल स्टिल मेक मनी ऑफ एड्स इफ पीपल स्किप इट. लेकिन यूट्यूब को तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो ही तो एड्स लगाता है. YouTube charges the advertiser in this case for impression. That is why YouTube came up with a 5-second skip feature. This is to allow the video makes an impression at least to the consumer without reducing customer satisfaction. अब कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए उसने स्केपेबल एडवर्टीजमेंट लगाया है, जिससे ऐसा ना हो कि बोर होके वो छोड़कर चला जाए, वीडियो ही ना देखे. तो इसीलिए स्केपेबल एड्स बनाया गया यूट्यूब पे, जिससे कि अगर फुल एड ना देखने से रेवेन्यू नहीं मिल रहा है तो कम से कम इम्प्रेशन का रेवेन्यू मिला. तो इस तरह से 2-3 तरह के एड्स हो गए जो यूट्यूब पे होते हैं, और उसी से हम लोग की अर्निंग होती है, क्रिएटर्स की, यूट्यूबर्स की, क्योंकि वो हमारे वीडियो पे लगाया जाता है और जितनी देर वो देखा जाता है उसी बेसिस पे हमको अर्निंग मिलती है. सो आप एड्स के बारे में जानिए और कैसे अपने वीडियो पे लगाया जाता है, उसकी क्या क्राइटेरिया है, कब आपको ऐड लगाने दिया जाता है, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है. सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल टुडे. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.